हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह हमारा वर्कशीट नंबर 2 चल रहा है चैप्टर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने खत्म कर लिया था पिछले क्लास में, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या गिवन है। पहले क्वेश्चन को इस तरह पढ़ते हैं, फिर इसको हम रफली सॉल्व करेंगे, फिर उसको स्टेटमेंट के थ्रू चीजों को समझेंगे। देखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो इसका मतलब वो लेंथ के बारे में पूछ रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर का डायमेंशन पूछा बोलोगे साइड, अगर रेक्टेंगल का डायमेंशन पूछा बोलोगे लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब होता है उसका जो भी उसका जो उसको डायमेंशन से टू डी शेप है, रेक्टेंगल का टू डी शेप है, तो उसका डायमेंशन क्या, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, तो टू डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन का मतलब इसमें लेंथ ब्रेथ के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन ये गिवन है कि एक रेक्टेंगल है जो कि उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ पर रफ में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले देखो, यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसका हम नेमिंग लेते हैं ABCD। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन बोला था लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पर चीजों को समझो। यहाँ पर बोला है, अच्छा मुझे बताओ, ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया ABCD, ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसका लेंथ क्या है? ये पार्ट जो होता है लेंथ होता है, हमें पता है, ये जो पार्ट होता है हमारा लेंथ होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और बच्चों, ये जो पार्ट हमारा होता है रेक्टेंगल का, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। ये सबको ये सब चीजें पता होगा। ठीक है, इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन में गिवन है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वह 20 सेंटीमीटर बोल रहे हैं मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पे चीजों को समझो, हम एक्स किसको लेंगे। देखो, जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर बड़ा है, अधिक है, किससे, ब्रेथ से अधिक है। तो यहाँ पर लेंथ किसके बारे में कहा गया है, क्वेश्चन किसके बारे में यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर टोटली फोकस कर रहा है कहाँ पर, किसको, वो लेंथ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से इस क्वेश्चन का पढ़ोगे तो क्वेश्चन में वो पूरा ट्राई कर रहा है कि बच्चों को हम लेंथ के बारे में बता दें, बट वो डायरेक्टली ना बता के वो कंपेयर कर रहा है किसके साथ, ब्रेथ के साथ कंपेयर कर रहा है। ध्यान से चीजों को पढ़ो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब वो क्वेश्चन लेंथ के बारे में बताना चाहता है, बट वो डायरेक्टली ना बता के वो किसके थ्रू बता रहा है, ब्रेथ को वहां पर खड़ा करके बता रहा है कि देखो ब्रेथ से 20 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, चीजों को समझो। देखो, जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो कॉम्पेयरिंग जो क्वांटिटीज होते हैं ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, बस बच्चों को बस खाली लैंग्वेज के थ्रू उनको मतलब उनको डाउट में डाला जाता है, नहीं तो और कुछ नहीं है। अगर वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा तो ये जो लैंग्वेज जो लिखा हुआ है इसको आराम से आप समझ सकते हो। जैसे एक एक मान लो, सपोज मैंने कहा एक लड़का है, इसका नाम है सपोज मान लो अनुराग। अनुराग एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़का हम मान लेते हैं, यहाँ पर एक ले लो सेंटा। ठीक है, दो लड़के हैं, एक है अनुराग और एक है सेंटा। अच्छा, अब मैं आपको अनुराग का, मैं अब यहाँ पर अनुराग का क्या बताना चाहता हूँ, मैं उसका हाइट बताना यहाँ पर चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अनुराग का हाइट बताना चाहता हूँ। बट बच्चों, मैं डायरेक्टली अनुराग का हाइट नहीं बताऊँगा, मैं घुमा फिरा के किस पे, सेंटा का, सेंटा का यहाँ सेंटा एक लड़का है, उसको मैं यूज करके इसका इसका हाइट बताऊंगा, बट डायरेक्टली मैं अनुराग का हाइट नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अनुराग एक लड़का है, मैंने कहा कि अनुराग का, किसी ने मुझे पूछा कि अनुराग का हाइट कितना है, जो हाँ अनुराग का हाइट कितना है, तो मैं बोला अनुराग का जो हाइट है वो सेंटा से, अनुराग का जो भी हाइट होगा सेंटा से वो क्या है, सेंटा के यहाँ का, सेंटा का हाइट मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बता, मतलब ऑलरेडी गिवन था हमें, सेंटा का हाइट ऑलरेडी हमें पता है। सपोज ये 20 सेंटीमीटर का है, सपोज मान लो आप, ऐसा तो होता नहीं है, 20 सेंटीमीटर पकड़ लो आप। ठीक है, सपोज ये कार्टूनिस्ट रियल कैरेक्टर नहीं है, कार्टूनिस्ट कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटा जो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसको आपको पता है। अब मैं अनुराग का हाइट बताना चाहता हूँ, मैं चाहता तो जैसे सेंटा का, जैसे मैंने आपको उसका हाइट बताया 20 सेंटीमीटर, मैं चाहता तो अनुराग का भी हाइट बता सकता था कि डायरेक्टली इतना इतना उसका 20 सेंटीमीटर, या फिर जो भी इसका हाइट है, जैसे मैंने सेंटा का बताया, मैं अनुराग का भी अगर चाहता तो बता देता, बट मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं घुमा फिरा के बताऊंगा, मैं बताऊंगा लेकिन आपको, बट घुमा फिरा के उसको बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, घुमा फिरा के कैसे बताऊंगा ना, मैं बोला, आपने पूछा, देखो आप हमें पूछ रहे हो दो बच्चों का हाइट कितना है,
किसी ने मुझे पूछा सर बताइए सेंटा का हाइट कितना है, तो मैं बता दिया डायरेक्टली 20 सेंटीमीटर है। और मुझे किसी ने पूछा कि सर अनुराग का भी हाइट बता दीजिए, तो अनुराग का हाइट मैं डायरेक्टली जैसे सेंटा का हाइट बताया वैसे अनुराग का हाइट ना बता के मैं घुमा फिरा के बताऊँ कैसे बताऊँगा ना। मैंने कहा देखो अनुराग का जो हाइट है वो सेंटा से 2 बड़ा है, तो आप समझ लो कितना बड़ा है। देखो तो आप चाहते तो मुझे बोल सकते सर आप सेंटा का हाइट जैसे आपने डायरेक्टली बताया आप क्यों अनुराग का हाइट ऐसे घुमा फिरा के बता रहे हो, आप डायरेक्टली मुझे हमें बता सकते हो कि अनुराग का हाइट इतना है आप क्यों घुमा रहे हो। बट मैं देखो चीज़ों को ऐसे ही लैंग्वेज घुमाया जाता है, क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है बस लैंग्वेज को घुमा के कहा गया। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपको सेंटा का हाइट कह दिया 20 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली ना बता कि घुमा फिरा के बताया, क्या बताया ना अनुराग का जो हाइट है वो सेंटा से कितना बड़ा है, सेंटा से 2 बड़ा है, तो अब समझ लो अनुराग का हाइट कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। देखो तो आप बहुत बच्चे आप मुझ पर गुस्सा होंगे बोलेंगे सर आप जैसे सेंटा का हाइट बताए थे वैसे अनुराग का बता दो, क्यों इतना घुमा फिरा रहे हो, इतना घुमाने की क्या जरूरत है, जैसे आपने सेंटा का हाइट बताया 20 सेंटीमीटर अनुराग का भी वैसे बता देते आप, अब क्यों घुमा रहे हो, इतना क्यों घुमा रहे हो, सीधा बोल देते कि 22 सेंटीमीटर है, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी। ऐसे ही क्वेश्चन, ये सवाल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल आपको अगर गुस्सा होना हो तब क्वेश्चन जो बना रहे हो उस पर गुस्सा हो जाओ, क्योंकि वो ऐसे आपको घुमा फिरा के पूछ रहा है। मैं आपको चीज़ों को समझाना चाहता था कैसे वो क्वेश्चन को बना रहा है, जो क्वेश्चन जो तैयारी करता है ना वो ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाता है। देखो कितना सिंपल चीज़ था, आप जो क्वेश्चन बना रहे हो ना उस पर आप गुस्सा करो कि डायरेक्टली बता देता अनुराग का हाइट कितना है क्यों इतना घुमा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन घुमाया जाता है। ठीक है चलो, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कैसे कोई चीज़ों को गिवन हो, एक चीज़ें गिवन होते हैं, ठीक है, एक जो चीज़ होता है वो गिवन होता है और कैसे उस चीज़ पे डिपेंडेंट करके और किसी का बारे में बताया जाता है। जैसे मैं अनुराग के बारे में बता रहा था, किसको यहाँ पर कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था मैं, किसके बारे, किसके जो बोलते हैं ना किसके कंधे पर के बंदूक जो चलाते हैं वही बात है। मतलब मतलब अनुराग का हाइट बता रहा था सेंटा को यूज़ करके, मतलब सेंटा को यहाँ पर मैंने यूज़ किया अनुराग का हाइट बताने के लिए, यहाँ पर सेंटा बस एक गिवन पार्ट है बस उसको हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ों को डायरेक्टली हम बता सकते हैं बट हम डायरेक्टली नहीं बताए, क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आपको बताएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे वो लैंग्वेज को चेंज करके आपको बता रहा है, लैंग्वेज को इस तरह ही चेंज किया जाता है। और भी आप आगे क्वेश्चंस करोगे बच्चों और भी लैंग्वेज घुमाएगा, ऐसे घुमा 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 के बहुत घुमाएगा, कहीं बोलेगा कि सेंटा का हाइट मतलब सेंटा का जो हाइट आपको अभी इतना ना बोला ना सेंटा से वो 2 सेंटीमीटर अनुराग बड़ा है, अगर वो बोलेगा सेंटा का जो हाइट है उसका मल्टीपल 2 करो फिर उसको 6 से डिवाइड करो ये करो उसके बाद जाके अनुराग का हाइट इतना होगा। ठीक है मैंने तो आपको सिंपल कह दिया, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के बोल सकता है कि सेंटा का जो हाइट है उसमें 2 सेंटीमीटर प्लस करो फिर 10 माइनस करो फिर 2 प्लस करो फिर उसमें से 10 घटाओ, ऐसे ऐसे घुमा फिरा के भी तब जाके निकलेगा हमें अनुराग का हाइट हमें पता चलेगा। ठीक है तो इस तरह क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, तो हम चीज़ों को समझ चुके हैं इसीलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमें यहाँ पर बच्चों क्या गिवन था क्वेश्चन में हमें, तो उसी तरह यहाँ पर देखो वो चाहता तो डायरेक्टली बता सकता था हमें कि लेंथ कितना है रेक्टेंगल का, बट नहीं उसने क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाया, वो बोला कि ब्रेथ से 20 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब वो टोटल क्वेश्चन वो हमें क्या बताना चाहता है, क्वेश्चन हमें लेंथ रेक्टेंगल का लेंथ के बारे में बताना चाहता है बट वो डायरेक्टली ना बता कि घुमा फिरा के बता रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है ना ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो ब्रेथ का यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन था, नहीं गिवन है, हमने जैसे सेंटा का बता दिया था 20 सेंटीमीटर उसका हाइट है, ठीक है यहाँ पर ब्रेथ का वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम ब्रेथ का यहाँ पर जो वैल्यू गिवन नहीं है बच्चों तो यहाँ उसको एक्स मान लो ना, कितना मान लोगे आप, एक्स मान लो। ठीक है समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ब्रेथ है जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था सेंटा का हाइट गिवन था 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है। ठीक है यहाँ पर लेंथ के बारे में रेक्टेंगल के लेंथ के बारे में कह रहा है बट यहाँ पर ब्रेथ का वैल्यू नहीं गिवन है, तो ब्रेथ का अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको एक्स मान लो। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा ब्रेथ, इसको हमने कितना मान लिया बच्चों, इसको हमने एक्स मान लिया, ध्यान से समझो चीज़ को, हमने ब्रेथ को एक्स मान लिया। तो जब ब्रेथ एक्स है तो लेंथ के बारे में क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ पर लेंथ के बारे में क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो 20 सेंटीमीटर बड़ा है ब्रेथ से, तो सिंपल से बात है लेंथ कितना हो जाएगा एक्स प्लस 20 सेंटीमीटर, एक्स प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा लेंथ। देखो कितना ईजी था कॉन्सेप्ट, वो टोटल लेंथ के बारे में मैं बोल रहा था बट वो किसको यहाँ पर रख के कंपेयर कर रहा था, मतलब किसके बारे में किसको यहाँ पर रख के उसको बोल रहा था कि हाँ इससे वो बड़ा है, जैसे हमने सेंटा को रखा था इसी तरह यहाँ पर सेंटा की जगह पर कौन है ब्रेथ है, तो ब्रेथ का यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है आप उसको एक्स ले जाओ, कंसिडर करो लेट मान लो उसका ब्रेथ है एक्स, मतलब रेक्टेंगल का ब्रेथ है एक्स,
तो रेक्टेंगल का ब्रेथ जब एक्स है तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ के बारे में कहा गया है कि वो 20 सेंटीमीटर बड़ा है, तो यहाँ पर लेंथ कितना हो गया, एक्स प्लस 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ आपको पता चल गया, ब्रेथ आपको पता चल गया। अब आराम से आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर पेरीमीटर बच्चों गिवन है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L+B होता है, बस आपको इक्वेट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हम लिखते हैं, देखो सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, इसको लेट मानेंगे जिससे कंपेयर होता है। लेंथ के बारे में कहा गया है, किससे कंपेयर किया गया, ब्रेथ को, तो हमेशा जो कंपेयरिंग पार्ट को ही एक्स एक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर बोला है कि लेंथ सॉरी ब्रेथ, हाँ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स। अब हम लेंथ कितना हो जाएगा, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स, तो लेंथ कितना है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन, 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, वो ब्रेथ से 20 बड़ा है। ब्रेथ आपका जो भी है उससे वो 20 बड़ा है, तो लेंथ ब्रेथ हमारा एक्स है, तो लेंथ कितना हो गया हमारा, तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे द लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस 20। ठीक है, लेंथ कितना हो गया, एक्स प्लस 20। जैसे हमें लेंथ पता चला एक्स प्लस 20, तो उसके बाद यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डॉट टी डॉट क्यू, यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है ना, पेरीमीटर हमें गिवन है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर है। बस सिंपल से बात है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो ये पेरीमीटर जो रेक्टेंगल है, ये हो गया हमारा LHS पार्ट और 100 सेंटीमीटर हो गया हमारा RHS पार्ट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे हम क्या करेंगे, इसको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नीचे उसका फॉर्मूला लिख देंगे, 2 × L, यहाँ पे L है लेंथ, B फॉर ब्रेथ, 2 × L+B इक्वल टू यहाँ पर RHS में जो है लिख दो 100 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों ये इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पर लिखो 2 × L हमने कितना कंसिडर किया, देखो लेंथ कितना है हमारा x प्लस 20, तो लेंथ की जगह हम लिखेंगे कितना x प्लस 20 प्लस, अब बताओ ब्रेथ का हमने कितना कंसिडर किया है x, तो यहाँ पर b की जगह हम लिखेंगे बच्चों x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, जब इक्वेशन लिखो तो वहाँ पर यूनिट मत देना, याद रखो इस चीज़ को, जब इक्वेशन सॉल्व करते हो ना तो वहाँ पर यूनिट का साइन मत दो, 100 सेंटीमीटर मत लिखो, सिर्फ 100 लिखो। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो 2 × तो ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में x प्लस 20 प्लस x है, तो x इसको पास में ले आओ, प्लस 20 इक्वल टू 100, दैट इम्प्लाइज ये हो गया आपका 2 × x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 20 इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ लिखो दैट इम्प्लाइज, तो इधर 2 मल्टीप्लाई होगा ना, इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा इधर, तो 2x प्लस 20 को वैसे ही रखो, 2 को इधर लाओ, कितना हो जाएगा, एक एक करके सारी चीज़ों को हटाना है ना, क्योंकि हमें LHS में सिर्फ x के सिवा और वहाँ पर कोई नहीं चाहिए, तो पहले 2 को हटाओ यहाँ से, 2 हट के इधर आ गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 2x प्लस 20। मैंने कहा था LHS में अगर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x के सिवा LHS में और कोई नहीं रहना चाहिए, तो पहले हम 2 को वहाँ से हटाए, तो ये हो गया 100 डिवाइड बाई 2 50 हो गया। अच्छा x को अकेला रखना है तो अब किसको हटाना पड़ेगा, अब 20 का हटाओ, एक एक करके सारे हटाएंगे, अब 20 को यहाँ से हटाओ, 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, इधर था प्लस 20, इधर आएगा माइनस 20, तो ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 50 माइनस 20, ये हो गया आपका 30। अब कौन x को डिस्टर्ब कर रहे हैं वहाँ पर LHS में, LHS क्या अभी तक अकेला है, नहीं, अब LHS को अकेला, LHS में x को अकेला रख दो बच्चों, ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, सीधी सी बात है, x LHS में है ना, उसको वहाँ पर वहाँ वहाँ आसपास उसके जो भी वहाँ फटक रहा है उसके आसपास सब वहाँ सबको वहाँ से हटाओ, 20 हट गया, अब 2 बचा है, x जब अकेला रहेगा तो x का वैल्यू ही मिल जाएगा हमें, 2 यहाँ से हटाओ, 2 यहाँ पर x चल गया, इन 2 इधर आएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा, देखो सब वहाँ से हट गए, LHS में अभी x के सिवा और कोई नहीं है, तो x का हमें वैल्यू ही मिल जाएगा, x का वैल्यू कितना हो गया 15। तो x बच्चों हमने किसको x कंसिडर किया था ना, ब्रेथ को x कंसिडर किया था, तो बच्चों हमारा यहाँ पर हमें यहाँ पर ब्रेथ मिल गया, हमें ब्रेथ कितना, ब्रेथ को हमने x कंसिडर किया था, डेट मीन्स हमें ब्रेथ मिल गया 15। अब यहाँ पर यूनिट लिखना नहीं तो भूल हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो लेंथ, लेंथ हमारा कितना था बच्चों, x प्लस 20, तो x की जगह यहाँ पर लिखो 15 प्लस 20, तो ये हो गया हमारा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देयरफॉर करके यहाँ पर लिख दो, लेंथ हो गया हमारा लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ याद करो लास्ट में जब लिखते हो लेंथ इतना ब्रेथ इतना,
तो यूनिट देना जरूरी है, नहीं तो मार्क हाफ मार्क वहां पर कट जाएगा, याद रखो। बट जब इक्वेशन सॉल्व करते हो वहां पर यूनिट मत लिखो, ठीक है। बट इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जब वैल्यू लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखते हो, हाँ इतना निकला इतना निकला, तो लास्ट में उसको आपको क्या देना पड़ेगा, आपको वहां पर यूनिट देना पड़ेगा, नहीं तो भूल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो लेंथ हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, जो सॉरी एक मिनट, लेंथ हमारा 35 है ना, सॉरी मैं 15 15 लिख दी, ये 35 है, ब्रेथ हमारा 15 है, ब्रेथ हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हमारा 35 है और ब्रेथ हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, हमने ब्रेथ को एक्स लिया था। अच्छा तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ रहे हो, कैसे वो कंपेयर कर रहा है, कैसे वो चीज़ों को घुमा रहा है। कोई भी एक सिंपल चीज़ है वो हमको बता सकता था डायरेक्टली, बट डायरेक्टली ना बता के वो घुमा फिरा के ऐसे ही बताएगा। और भी आप बाकी क्वेश्चन करोगे बच्चों, ऐसे ही वो घुमाएगा क्वेश्चन को, और भी घुमाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो बस हमें इस तरह ही क्वेश्चन को समझना है, उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नाइन, और जो अपकमिंग जो क्वेश्चन है 9, 10, 11, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे वो कुछ ऐसे लैंग्वेज को घुमाएगा, सब लैंग्वेज का खेल है बच्चों। लैंग्वेज अगर आप पकड़ना मतलब पकड़ के समझना सीख गए तो आराम से उसको तोड़ दोगे और उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस लैंग्वेज यहाँ, ये जो चैप्टर है पूरा बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज को यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर देखो लैंग्वेज बेस्ड मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, मतलब लैंग्वेज को इस तरह वो घुमाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या किसके कंपेयर कर रहा है। बट आप आराम से अगर ठीक से अगर पढ़ोगे ना, क्या वो बोलना चाहता है, किसको किस पे वो कंपेयरिंग कर रहा है, किस पे वो वहाँ पर उसका ऐसे उसको रख रहा है मीडिएटर, मतलब उसके थ्रू चीज़ों को बता रहा है उसको, मतलब यहाँ पर लेंथ को बता रहा था, ब्रेथ के थ्रू बता रहा था, ठीक है। तो इस तरह ही लैंग्वेज को घुमाएगा, तो हम नहीं ऐसे उसको मतलब जल्दी से ख़त्म करेंगे, हम ऐसे ही चीज़ों को अच्छी तरह धीरे 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 करके समझेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, बाय।